हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का मेरा जो स्पेशल वीडियो बनाने का मोटिव है वो है स्पेशल 12th क्लास के छात्रों के लिए जो कि राजनीतिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं। पॉलिटिकल साइंस जो कि मेरा पसंदीदा विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान के साथ में, और पॉलिटिकल साइंस को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो बात कर लेते हैं, कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस का जो प्रत्येक चैप्टर है उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं सर, तो हमें काफ़ी रिवीजन करने में अच्छा लगेगा और वीडियो को हम खाली टाइम में अपने घर पर देख पाएंगे। कोरोना का समय चल रहा है और आजकल डिजिटल इंडिया है, तो उन्हीं के लिए मेरी ये खास पेशकश है। ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है, 12th क्लास के बच्चों को। तो जो बुक है पॉलिटिकल साइंस के समकालीन विश्व में राजनीति, उसका पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है शीत युद्ध का दौर, तो इस चैप्टर में ओनली किससे संबंधित बात होगी? शीत युद्ध से। अब शीत युद्ध क्या था एक्चुअल में, बात करें हम शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध का जो दौर था वो आपका चला रियल में 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला। 45 साल लगभग दो देशों में, दो महाशक्तियों में क्या रहा, संघर्ष और तनाव रहा कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी रही। अब वो दो महाशक्ति कौन सी थी एक्चुअल में, समझेंगे शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो आपका हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध में जो पूरा हमारा जो विश्व बटा हुआ था वो दो खेमों या दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो एक तरफ से मित्र राष्ट्र है और दूसरी तरफ से धुरी राष्ट्र है। जो शीत युद्ध हार गए थे, जो दूसरा विश्व युद्ध हार गए थे उनके लिए धुरी राष्ट्र है, और जो मित्र राष्ट्र थे जो कि जीत चुके थे। तो मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन आदि। और जो धुरी राष्ट्र थे उसमें क्या था, जर्मनी, इटली और आपका जापान। तो ये मुख्य देश थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। तो जो दूसरा विश्व युद्ध का जो अंत हुआ वो हुआ 1945 को। उसका अंत होने का क्या कारण था कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या गिराया, बॉम्ब गिराया, परमाणु बॉम्ब, जो कि विश्व में एक बार ही अभी तक किसी देश के ऊपर परमाणु बॉम्ब से हमला किया गया है, तो वो है जापान, जिसके ऊपर हमला हुआ है। वो हमला कब हुआ था आपका, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। इस दिन विश्व में हिरोशिमा और नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो जब ये बम गिराया तो जो जापान था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। तो जो जापान था वो धुरी राष्ट्रों में एक रीढ़ था, तो जब जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई तो ये सारे जो देश थे पूरी तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था साथ में, जापान के साथ में क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और एक आशंका ऐसी भी लगाई जाती है कि जो जापान था वो सरेंडर करने वाला था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्या करा, अपनी ताकत को दिखाया और जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए, परमाणु बॉम्ब, 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद कहीं जाके आपकी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, जिसने विश्व शांति बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में क्या किया, प्रयास किए। तो जो बॉम्ब गिराए गए उनके भी नाम दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी की बुक है, उसे आप बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सारा आपको समझ में आएगा। लिटिल मैन और फैट मैन
जो बॉम्ब थे उनके क्या थे, नाम थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये पार्टी खत्म हो गई, इधर का हिस्सा जो खत्म हो गया, तो जो इधर के जो हिस्से दो बचे, ये बचे राष्ट्र। अब इनमें क्या हो गई, होड़ हो गई, एक बहस छिड़ गई कि जो दूसरा विश्व युद्ध जीते हैं हम, सोवियत संघ कहने लगा कि मेरी वजह से जीते हैं, अमेरिका कहने लगा कि मेरी वजह से जीते हैं। तो दोनों देशों में क्या हुआ, महाशक्ति बनने की एक होड़ छिड़ गई। वही दौर कहलाया शीत युद्ध का दौर। और ये शीत युद्ध कब तक चला, 1945 से लेकर 1990 तक चला शीत युद्ध का दौर। और 1945 और 1990 के बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे यह आशंका लगाई गई कि तीसरा विश्व युद्ध होते होते बचा। कोरिया संकट कहें, वियतनाम संकट कहें, या कहें बर्लिन की दीवार कहें, जो कि एक चरम बिंदु था शीत युद्ध का। अब शीत युद्ध, सरल भाषा में हम कहें कि शीत युद्ध होता क्या है, अगर एग्जाम में आ जाता है, तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो कि बिना हथियारों के और अस्त्र और शस्त्रों के लड़ा जाए, जिसमें एक दूसरे को क्या दी जाए, गीदड़ धमकियां दी जाए कि मैं युद्ध कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर युद्ध कर दूंगा, अखबार न्यूज और रेडियो के माध्यम से क्या दी जाए, एक दूसरे को धमकियां दिया जाए और एक्चुअल में युद्ध ना हो। क्योंकि दोनों क्या थी, परमाणु संपन्न देश थे। परमाणु संपन्न देश होने के साथ साथ तो दोनों देशों को डर भी था, एक दूसरे के पता नहीं था कि एक्चुअल में उसके पास कितने परमाणु बम है और उसके पास कितने परमाणु बम है दूसरी पार्टी के पास। तो दोनों को एक डर था कि अगर मैंने परमाणु बम से हमला किया तो वो भी मेरे ऊपर परमाणु बम से हमला कर देगा, तो अगर उसका नुकसान होगा तो साथ में हमारा भी नुकसान होगा, और हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि किसका ज़्यादा नुकसान हुआ और किसका कम नुकसान हुआ। तो इस कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सका, ठीक है। तो शीत युद्ध के अंत होने के क्या कारण थे, शीत युद्ध के अंत के क्या कारण थे, जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, वैसे एक्चुअल में बात करें हम तो अमेरिका की वजह से दूसरा विश्व युद्ध जीते थे, क्योंकि अमेरिका ने ही परमाणु बम गिराया था। तो जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ भी अमेरिका को क्या देना चाह रहा था, शीत युद्ध में टक्कर दे रहा था कहीं ना कहीं, परमाणु बम, अपना जो सारा पैसा था, जो सारा व्यय था वो हथियारों पर लगा रहा था। और जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों का, गणदेशों का एक समूह था, इसमें कई सारे देश थे, वो क्या थे, सम्मिलित थे। तो इसने जो सारा पैसा लगाया वो अपना किस पे लगाया, सैनिकों पे लगाया, हथियारों पे लगाया। इस कारण से इसकी जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं अमेरिका के मुकाबले पिछड़ती गई, पश्चिम देश यानी अमेरिका के मुकाबले इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती चली गई। अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से, सरल शब्द यही है, किताबों में दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, कि अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया, विघटन हो गया। तो 1991 में जब विघटन हो गया तो उसके साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो यह था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो शीत युद्ध पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शीत युद्ध का अंत कहाँ हुआ, और शीत युद्ध से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो आई होप शीत युद्ध का टॉपिक आप सभी अभ्यर्थियों का क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैंने आपकी डिमांड को माना है तो आप मेरी भी डिमांड को ज़रूर माने। और दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।